2020 के iPhones के लिए Apple कुछ बड़ा प्लान कर रही है और कहा जा रहा है कि इस बार iPhone की जो थीम होगी ना वो होगी सिर्फ स्पीड, यानी कि स्पीड के ऊपर आपको पूरा iPhone फोकस देखने को मिलेगा। तो फिर जानते हैं इस वीडियो के अंदर कि iPhone के अंदर स्पीड का क्या मतलब होने वाला है और iPhone के अंदर जो 2020 में iPhone 12 होगा ना उसमें आपको क्या क्या नया देखने को मिलने वाला है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने हैं। तो सबसे पहले बात करें इन फोन्स का जो लॉन्च है वो कब होने वाला है। तो नॉर्मली सेप्टेम्बर के महीने में आईफोन्स लॉन्च होते हैं और सितंबर 2020 में नए आईफोन 12 उनका लॉन्च आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कहा जा रहा है कुछ प्रोडक्शन और सप्लाई इश्यूज के कारण जो डिलीवरी डेट है वो डिले हो सकती है और जो प्राइस है ना वो शायद थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है। वैसे प्राइस तो ऑलरेडी काफी ज्यादा होता है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं जो एक्सपेक्टेड प्राइस है ना आईफोन 12 का वो होगा ऑलमोस्ट 70,000 से लेकर 1,00,000 रुपीज तक, और 1,00,000 के ऊपर भी आपको मॉडल्स देखने को मिलेंगे। उसमें कोई दो राय नहीं है, इस बार भी आईफोन महंगा था, महंगा है, महंगा ही रहने वाला है इस बार भी। लेकिन इस बार एक इंटरेस्टिंग बात होगी कि इस बार जब iPhone लॉन्च होगा ना तो उसके साथ ही आपको Apple का इंडिया का स्टोर देखने को मिलेगा। ये कोई फिजिकल स्टोर नहीं होगा, फिजिकल स्टोर तो अगले साल आने वाला है। इंडिया में इस बार आपको एक ऑनलाइन स्टोर देखने को मिलेगा जहां पे आप ऑनलाइन जाके Apple के प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं और हो सकता है कि इन्हीं पे एक्सक्लूसिवली सबसे पहले iPhone को लॉन्च किया जाए। अगर ऐसा होता तो काफी बढ़िया बात होगी, देखते हैं कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। लेकिन वही बात करें iPhones के अंदर आपको क्या देखने को मिल सकता है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके नेमिंग स्कीम के ऊपर। यानी कि इतना कंफर्म है ऑलमोस्ट कि iPhone 12 नेम होगा, यानी कि इस बार जो Apple है शायद से iPhone 11s ना नाम रखे और iPhone 12 के ऊपर सीधा नाम रख सकती है। 90% जो चांसेस है वो iPhone 12 नेमिंग के हैं। इसके साथ ही अगर हम डिजाइन के बारे में बात करें तो डिजाइन जो है वो काफी हद तक सिमिलर होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा अलग भी होने वाला है। अब अलग क्या होगा, सबसे पहले तो नॉच है। अब नॉच का जो साइज है वो थोड़ा सा छोटा होगा, लेकिन कोई पंच होल, वाटर ड्रॉप नॉच ऐसी कोई चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो होने नहीं वाली। अंडर डिस्प्ले कैमरा एक्सपेक्टेशन हो रही थी तो वो होने नहीं वाली। फेस अनलॉक, फेस आईडी के सेंसर रहेंगे। नॉच का साइज इस बार 90% चांस है कि छोटा होने वाला है। इसके साथ ही डिजाइन में भी काफी मेजर चेंज होने वाला है, यानी कि चारों तरफ आपको एक फ्रेम देखने को मिलती है ना मेटल की, इस बार क्या होगा कि आपको एक मेटल फ्रेम देखने को मिलेगी लेकिन उसके डिजाइन में चेंज होगा। ये कुछ वैसे होगा जैसा आपको पुराने iPhone 4 iPhone 4S में डिजाइन देखने को मिला था ना, थोड़ा बॉक्सी डिजाइन, ठीक उसी डिजाइन को एप्पल इस बार इंप्लीमेंट करने वाली है अपने सारे iPhones के अंदर। और अगर हम सारे iPhones के बारे में बात करें तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस बार भी आपको एप्पल की तरफ से 3 नए iPhone 12 देखने को मिलेंगे, यानी कि iPhone 12, फिर 12 Pro, फिर 12 Pro Max। 12 Pro का जो स्क्रीन साइज होगा वो होगा 5.4 इंच का, 6.7 इंच स्क्रीन साइज होगा Pro Max का और iPhone 12 का स्क्रीन साइज होगा 6.1 इंच का। और कौन सी चीज इन फोन्स को प्रो बनाएगी, वो होगा प्रोमोशन डिस्प्ले, यानी कि इस बार आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट डिस्प्ले एप्पल के iPhones में देखने को मिलने वाला है। हाँ, लेकिन वो प्रो और प्रो मैक्स तक ही रहेगा, जो नॉर्मल iPhone होगा उसमें आपको 60 हर्ट्ज डिस्प्ले होगा। लेकिन इस बार LCD डिस्प्ले हटा के एप्पल जो है ना वो OLED डिस्प्ले को इंक्लूड कर रही है, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात हो जाती है, यानी कि अक्रॉस द बोर्ड आपको OLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाला iPhones में। और तो जहां मैंने स्पीड की बात करी थी ना, तो यहाँ पे स्पीड से कनेक्शन हो सकता है इंटरनेट की स्पीड का, यानी कि इस बार के जो iPhones होंगे वो सपोर्ट करेंगे 5G स्पीड्स को, 5G होने वाला है इनके अंदर। लेकिन कुछ ऐसी बातें बताई जा रही है कि जो 5G की जो मिलीमीटर वेव होगी वो शायद प्रो मैक्स तक ही रखी जाए, और जो लो वर्जन होंगे उनके अंदर आपको सब 6 GHz बैंड का जो 5G होता है, यानी कि जैसे स्लो 5G कहा जाता है, वो देखने को मिले। यानी कि 5G तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो GBPS स्पीड वाला जो 5G ना, उसे जो एप्पल ने अपने शायद सबसे महंगे वाले फोन तक लिमिट करके रखे। और हाँ, ये फोन ऐसे हो कि पूरी दुनिया में अपने कहीं भी खरीदे, हर दुनिया का हर ब्रांड का जो 5G होता है ना उसे सपोर्ट करेंगे। वैसे 5G के लिए जो एप्पल ने समय काफी स्पेशल एंटीनास भी डेवलप कर रही है, और 5G के लिए जो मोडेम यूज किया जा रहा है ना वो यूज किया जाएगा Qualcomm का X55 मोडेम। जी हाँ, जो एंड्रॉइड फोन में जो आपको मोडेम देखने को मिल रहा है 5G का, वही एप्पल यूज कर रही है इस समय, क्योंकि डेफिनेटली वो इस समय मार्केट में सबसे ज्यादा बेस्ट है। लेकिन वो सिर्फ अभी के लिए, आने वाले समय में एप्पल अपना खुद का मोडेम भी बनाएगी जिसकी जो स्पीड और जो परफॉर्मेंस है ना वो अभी तक के किसी भी 5G फोन से सबसे ज्यादा होगी, लेकिन वो आपको इस साल नहीं, आपको वो अगले साल ही देखने को मिलेगा। इसके साथ ही बात करें कैमरास के ऊपर, तो कैमरास की बात की जाए तो ऑब्वियसली 3 कैमरास तो आपने ऑलरेडी देख चुके प्रो प्रो मैक्स के अंदर, लेकिन इस बार क्या होगा कि आपको 4 कैमरास देखने को मिलेंगे, यानी कि एक नॉर्मल लेंस, एक वाइड एंगल यानी अल्ट्रा वाइड, और एक होगा टेलीफोटो जूम लेंस। तीनों कैमरास के अंदर आपको एग्जैक्ट सेम सेंसर देखने को मिलेगा, सेंसर की क्वालिटी इंप्रूव की जाएगी, और हो सकता है कि इस बार एप्पल एक हाई रेजोल्यूशन का सेंसर को भी इंप्लीमेंट कर सकती है अपने फोन के अंदर, जैसे 48:64, मतलब ऐसी कुछ खबरें बता रही है। शायद से 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का फीचर आ जाए, वेल इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं, लेकिन मोर और लाइकली शायद 12 MP का कैमरा देखने को मिले, लेकिन उसकी क्वालिटी जो होगी ना वो कंप्यूटेशन फोटोग्राफी का यूज करके नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है। और जो फोर्थ कैमरा होगा ना वो TOF यानी कि 3D डेप्थ सेंसिंग कैमरा होगा, यानी कि जो लाइव पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्डिंग का जो फीचर है ना उसे एप्पल अपने फोन के अंदर डाल सकती है। और तो जो AR रिलेटेड कुछ फीचर्स होते हैं, AR इमोजीज और AR जैसे ना, उन सब का यूज इस कैमरा
के थ्रू किया जा सकता है। तो मेरे को लगता है कि काफी अच्छा इम्प्लीमेंटेशन है। इसके साथ ही जो सबसे सस्ता आईफोन 12 होगा ना, उसके अंदर भी ट्रिपल कैमरास देखने को मिलेंगे। जहां आईफोन 11 में 12 कैमरास आए थे, एक नॉर्मल एक वाइड एंगल, इस बार टेलीफोटो लेंस भी इंक्लूड हो जाएगा। तो आईफोन 12 में 3 कैमरास और प्रो प्रो मैक्स के अंदर आपको क्वाड कैमरास देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही एक रिसेंट लीक से सजेस्ट ये हुआ कि जो नया iOS 14 होगा, जो आपको नए आईफोन 12 में देखने को मिलेगा, उसके अंदर आपको नई ऐप स्विचिंग स्क्रीन देखने को मिलेगी। यानी जैसा कुछ आपको आईपैड में देखने को मिलता है, ठीक वैसा ही कुछ आने वाला है। यानी कि इस बार जो iOS 14 है ना, उसे भी काफी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाएगा और उसको भी इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा कि आईफोन के अंदर नए फीचर्स ऐड किए जा सके। इसके साथ ही अगर हम स्पीड की बात कर रहे थे, तो इस फोन के अंदर आपको मोबाइल फोन की हिस्ट्री का सबसे पावरफुल प्रोसेसर यानी कि एप्पल की A14 चिप देखने को मिलेगी, जो कि आज तक मौजूद सभी मोबाइल चिप से ज्यादा पावरफुल होगी। और हाँ, कुछ केसेस में तो लैपटॉप के प्रोसेसर से भी ज्यादा फास्ट होने वाला है। और इतनी ज्यादा पावर का यूज सिर्फ इसलिए किया जाए क्योंकि जो नए आईफोन से वो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि जो नए गेम्स आएंगे काफी सारे, वो 120 हर्ट्ज और 120 FPS पे चलेंगे। तो इसका मतलब ये कि अगर इतने अच्छे ग्राफिक्स, अगर इतने अच्छे हाई फ्रेम रेट पे निकाल लें, तो एक पावरफुल प्रोसेसर की तो जरूरत है। और एप्पल ना पूरी कोशिश ये कर रही है कि 120 हर्ट्ज अगर हम रिफ्रेश रेट देंगे तो उसको चलाने के लिए ताकतवर प्रोसेसर भी बनाएंगे। वेल, ऑलरेडी एप्पल के प्रोसेसर इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं, अब एप्पल A14 देखते कि उसको किस नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। लेकिन मैं जानता हूं कि एप्पल का जो नया प्रोसेसर होगा ना, वो फास्ट भी होगा, बैटरी एफिशिएंट भी होगा और हीटिंग भी नहीं करेगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। और फाइनली मैं आपको एक काफी इंटरेस्टिंग लीक बताने वाला हूं, वो ये है कि इस बार जो है ना, एप्पल एक नया ब्लू कलर का आईफोन भी लॉन्च कर सकती है। वेल, ऐसी कुछ अफवाहें मैंने सुनी है। पिछली बार उन्होंने ग्रीन कलर के आईफोन के ऊपर गए थे, इस बार एक ब्लू कलर का आईफोन। वैसे अगर ब्लू कलर में अगर आपको नया आईफोन देखने को मिलता है तो आपको कैसा लगेगा, ये बात नीचे कमेंट में बताना ना भूलना। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि एप्पल सिर्फ 3 आईफोन लॉन्च करेगी, वेल, कहा जा रहा है कि मार्च एंड तक आपको एक नया आईफोन 9 देखने को मिलेगा। यानी आईफोन 8 के बाद आईफोन 10 आ गया, तो आईफोन 9 कहा गया। तो नया आईफोन 9 जो कि आईफोन SE 2 है, जिसके अंदर आपको आईफोन 8 के डिजाइन में आईफोन 11 का हार्डवेयर मिलेगा, तो वो फोन बहुत ही ज्यादा जल्दी लॉन्च होने वाला है। और उस फोन का जो मेन फोकस है ना, वो इंडिया है। लेकिन वो फोन भी कोई सस्ता नहीं होने वाला और वो 30-40,000 से ज्यादा ही इसकी कीमत रहने वाली है। तो आप समझ के रखिए कि इस साल एप्पल के आपको मल्टीपल आईफोन देखने को मिलेंगे और सबकी जो कीमत है ना, काफी ज्यादा होने वाली है। अगर आप एप्पल के फैन और एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज करते हो तो ही रिकमेंडेड है कि आप ऐसे आईफोन को लीजिए। वैसे नए आईफोन से आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो, और आप लोगों को कैसा लग रहा है कि जो एप्पल कुछ काम करे नए आईफोन के बारे में, प्लीज ये बात नीचे कमेंट बताना ना भूलना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने। तो थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।